गुना में हजारों चमगादड़ों की अचानक मौत ने मध्य प्रदेश में खतरे की घंटी बजा दी है। विजयपुर के नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड परिसर में पिछले दो दिन के अंदर हजार से भी ज्यादा चमगादड़ मृत पाए गए, जिससे हर तरफ हड़कंप मच गया है कि कहीं इन मृत चमगादड़ों का खतरनाक नीपा वायरस से कोई कनेक्शन तो नहीं है। चमगादड़ों के मरने की वजह से जब हड़कंप मचा तो जिला प्रशासन की टीमें जांच के लिए पहुंची। आज शाम को एनएफएल कैंपस से चमगादड़ों की मृत्यु की सूचना हमें प्राप्त हुई थी, जिस पर मौके पर जाकर मेरे द्वारा मेरी टीम के साथ देखा गया कि लगभग 1000 से 1500 के आसपास चमगादड़ों की मृत्यु पिछले 8-10 दिनों में हुई है। क्योंकि सूचना अपन को आज ही प्राप्त हुई थी तो अपने द्वारा तुरंत कार्रवाई की गई, उसमें से रैंडमाइजेशन के आधार पर अपने द्वारा सैंपलिंग कर ली गई है और उसको कल तक भोपाल DI लैब और फॉरेंसिक लैब भेज दिया जाएगा। बाकी उसमें प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि विगत 8-10 दिनों में टेम्परेचर भी अत्यधिक था, तो हो सकता है डिहाइड्रेशन की वजह से या हीट स्ट्रोक की वजह से मृत्यु हुई हो। बाकी असली कारण का पता रिपोर्ट आने के बाद ही चलेगा। सरकारी लापरवाही का आलम यह रहा कि मृत चमगादड़ों को खुले में फेंक दिया गया, जबकि हजारों चमगादड़ों के अचानक मरने के बाद से हर तरफ बेचैनी है कि कहीं नीपा जैसा वायरस ना आ गया हो, जिसके बारे में गुना में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। CMHO का कहना है कि चमगादड़ों को जांच के लिए भेजा गया है, जिससे ये पता चल सके कि आखिर अचानक इतने चमगादड़ों के मरने की वजह क्या है। कुछ सैंपल के लिए जांच के लिए उन्होंने कुछ चमगादड़ दिए हैं, जांच के लिए भेजे जाएंगे। बाकी जैसे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट किया गया है सब कुछ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से हमने आज सूचना दी थी पेपर में, उस जब उन लोगों ने वो सूचना पढ़ी तो उसकी वजह से उन्होंने खबर दी। और जनता में इस तरह की कोई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है किसी को चमगादड़ निपा वायरस के लक्षण हो, समझा दिया गया लोगों को। ये मामला इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो चुका है क्योंकि नीपा जैसे खतरनाक वायरस के संक्रमण का खतरा पैदा हो चुका है। नीपा वायरस चमगादड़ों द्वारा ही फैलता है, चमगादड़ों के कुतरे हुए फलों से ये वायरस आगे इंसानों तक फैल जाता है। डॉक्टर्स के मुताबिक नीपा वायरस बहुत तेजी से फैलता है, यदि मरीज को तुरंत इलाज नहीं मिले तो 48 घंटे के अंदर मरीज कोमा में पहुंच जाता है। इस वायरस की वैक्सीन भी फिलहाल विकसित नहीं हो पाई है। चमगादड़ों की अचानक हजारों की संख्या में मौत के बाद फिलहाल गुना और ग्वालियर में अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।